ये देखिए राम की पैड़ी को किस तरह से लाइटों से सजाया गया है, पूरा लाइटों से राम की पैड़ी जगमगा उठी है। और यहाँ पर कई कलर से पूरी लाइटिंग की गई है। इधर देखो ये लोग काफी दूर दराज से साइकिल यात्रा करके अयोध्या तक पहुंचे हैं और राम की पैड़ी के किनारे रुके हुए हैं। इधर लाइव शो चल रहा था, फिलहाल वो शो खत्म हो चुका है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रिंस के ब्लॉग। दोस्तों फाइनली अभी हम पहुंच चुके हैं अयोध्या नगरी के राम की पैड़ी पर, जहां पर हमारे राम जी और लक्ष्मण जी स्नान किया करते थे। और यहां पर आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि राम की पैड़ी के पास का क्या इंतजाम किया गया है। 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला है, तो यहाँ पर सारे न्यूज चैनल यूपी तक आज तक बहुत ही सारे चैनल यहाँ पे आए हुए हैं और सारे चैनलों का यहाँ पर डिबेट वगैरह चलता है। देखिए उनका सेट वगैरह लगा हुआ है और सामने किस तरह से लाइटिंग वगैरह की गई है, सब कुछ इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा। तो चलिए फिलहाल राम की पैड़ी के आस पास का पूरा टूर करके आपको दिखाते हैं। तो आप लोग इस वीडियो में पूरा लास्ट तक बने रहिएगा। अभी हम राम की पैड़ी के जस्ट किनारे ही मौजूद है और पीछे देखिए डिबेट वगैरह चल रहा है और काफी अच्छा लग रहा है, काफी ज्यादा यहाँ पे क्राउड इकट्ठा है भाई। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको पूरा कंप्लीट टूर करके दिखाते हैं। दोस्तों हमें आवाज को म्यूट करना पड़ा है क्योंकि यहाँ पर कुछ प्रोग्राम वगैरह चल रहा है, उसकी वजह से वहाँ पे सॉन्ग चल रहा था, नहीं तो मुझे ये आवाज म्यूट नहीं करनी पड़ती। फिलहाल अभी आपको हम दिखाएंगे आगे चल के क्या प्रोग्राम चल रहा है। और देख सकते हैं अभी रात के करीब 9 बज रहे हैं और यहाँ पर भीड़ काफ़ी कम हो चुकी है। सबसे पहले अगर जो भी अयोध्या धाम आता है वो राम की पैड़ी में स्नान जरूर करता है। यहाँ पर देखिए बड़े बड़े पोस्टर वगैरह लगाए गए हैं योगी आदित्यनाथ महाराज जी का, और ये देखिए यही लाइव प्रोग्राम यहाँ पर चल रहा है जो कि काफ़ी दूर दराज से सभी कलाकार आए हुए हैं और ये लोग राम की पैड़ी के किनारे इस तरह से प्रोग्राम कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए बहुत सारी चेयर वगैरह लगी हुई है, किस तरह से बैरिकेडिंग यहाँ पर की गई है। और ये सामने देखो ये सारे भाई साहब लोग न्यूज चैनल वाले हैं जो ये लाइव शो चला रहे हैं जिसे हम टीवी पर देखते हैं। मैं थोड़ा सा आपको यहाँ से जूम करके दिखाने की कोशिश करूँगा कि किस तरह से प्रोग्राम चल रहा है। ये देखो भाई यहाँ पर ये प्रोग्राम फिलहाल ख़त्म होने वाला है और इसी प्रोग्राम की वजह से मैंने आवाज़ म्यूट किया है क्योंकि वहाँ पर सॉन्ग चल रहा था। और यहाँ पर देखिए जय श्री राम का बहुत ही बड़ा होर्डिंग लगाया गया है और कितने लोग यहाँ पर सामने बैठ के इस प्रोग्राम का आनंद ले रहे हैं। दोस्तों यहाँ पर प्रोग्राम तो खत्म हो चुका है, ये सारे कलाकार ना दिल्ली से आए हुए हैं और अभी इसके बाद एक और प्रोग्राम किया जाएगा। इस समय अयोध्या में हर जगह कोई ना कोई प्रोग्राम या कथा वगैरह हो रहा है, तो आप लोग उसका भी आनंद ले सकते हैं और आराम से जाकर वहां पर अंदर बैठ सकते हैं और देख सकते हैं। ये इनका प्रोग्राम खत्म होने के बाद इनको सम्मानित भी किया जा रहा है सभी लोगों के सामने और ये काफी स्नेह भरा प्रेम मिल रहा है इनको सभी लोगों के सामने भाई, क्योंकि इन लोगों ने अपनी प्रस्तुति काफी बढ़िया तरीके से इन लोगों के सामने दी है। मेघना घोष दस्तीदार और रजनीकांत मोहन। और अब मैं निदेशक उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी श्री शोभित कुमार नाहर जी को मंच पर आमंत्रित करता हूं कि वो यहां पर देख सकते हैं किस तरह से ये शो चल रहा था और फिलहाल अभी शो खत्म हो चुका है राम की पैड़ी के किनारे। और यहाँ पर देखिए कितनी ज्यादा क्राउड है रात के समय में भी, यहाँ पर मीडिया भाई लोग और पीछे का नजारा देखो, ये पूरा का पूरा नजारा मैं आपको राम की पैड़ी के किनारे का दिखा रहा हूँ। किस तरह से यहाँ पर मंच वगैरह लगाकर प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, ये सारे प्रोग्राम टीवी पर आप लोग लाइव भी देख सकते हैं। दोस्तों अभी रात हो चुका है लेकिन इधर देखिए इधर लिखा हुआ है इंडिया टीवी, इधर इंडिया टीवी का डिबेट चल रहा था अभी कुछ देर पहले लेकिन अब यहाँ पर बंद हो गया है। ये देखो यहाँ पे चल रहा था डिबेट, काफी सारे लोग थे, उनसे कई सारे सवाल वगैरह यहाँ पर पूछे जा रहे थे। अभी हम मौजूद है राम की पैड़ी पर और सामने ही आज तक का डिबेट चल रहा था। उधर देखिए भारत 24 और ये आज तक की गाड़ी खड़ी है भाई, ये देखो मैं आपको जूम करके दिखा दूं तो देखिए वहां पर आज तक की गाड़ी खड़ी है और यहां पर सारे न्यूज चैनल वाले अयोध्या में इस समय मौजूद है राम की पैड़ी पर। और ये राम की पैड़ी का नज़ारा मैं आपको दिखा रहा हूं पूरा लाइव गाइज, और ये देखो कितना सुंदर तरीके से यहां पर सजाया गया है,
कितने ज्यादा लोगों की यहाँ पर भीड़ है, और सामने शायद कुछ तो कुछ चल रहा है भाई। ये देखो आज तक की गाड़ी यहाँ पर खड़ी है, काफी ज्यादा आगे क्राउड है। चलिए देखते हैं आखिर वहाँ हो क्या रहा है। गाइज इधर देखिए न्यूज चैनल वाले हैं राष्ट्रवाद, और इधर है यूपी तक, इधर भाई सवाल जवाब चल रहा है पब्लिक से। ये देखो गर्व करना चाहिए, हमारे जितने पूर्व पुरुष बलिदान किए हैं उसी का आज फल भोग रहे हैं। दोस्तों ये सामने ही राम की पैड़ी है, और इधर आज तक का डिबेट चल रहा था। देखिए आज तक का पूरा सेट लगा हुआ है, और इधर न्यूज चैनल वाले खड़े हैं, इधर भी न्यूज चैनल वाले हैं जो लोगों से सवाल जवाब कर रहे हैं राम मंदिर को लेकर। काफी सारे सवाल लोगों युवाओं से और जो यहाँ पर और लोग हैं उनसे पूछे जा रहे हैं। और सामने की बिल्डिंग देखो भाई, ये जो पुरानी पुरानी बिल्डिंगें हैं ना, इनको कितनी बेहतरीन तरीके से लाइटिंग की गई है, किस तरह से सजाया गया है आप लोग देख सकते हैं। ये राम की पैड़ी के किनारे का पूरा नजारा मैं आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरह से यहाँ पर 22 जनवरी के पहले किस तरह से तैयारियां की गई हैं। यहाँ पर मैं आपको पूरा कंप्लीट टूर करके दिखा रहा हूँ। तो आइए चलिए आगे चलते हैं और आपको राम की पैड़ी का नज़ारा अच्छे से नज़दीक से दिखाते हैं। गाइज इधर देखो टाइम्स नाउ का सेट लगा हुआ है, और ये है राम की पैड़ी के आसपास का नज़ारा। भी रात हो चुका है, रात में यहाँ का क्या माहौल है, क्या नज़ारा है, वो मैं आपको यहाँ पर पूरा कवर करके अच्छे से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। चारों तरफ का नज़ारा अभी भी आपको यहाँ पर काफी ज्यादा क्राउड इकट्ठा दिखाई दे रही होगी। और इधर देखो, इधर है TV9 भारतवर्ष की गाड़ी, ये देखो TV9 भारतवर्ष, और यहाँ पर उसका डिबेट चल रहा है। आइए चलिए सभी लोग एक साथ फोटो वगैरह क्लिक करवा रहे हैं। ये देखो भाई इधर TV9 भारतवर्ष का पूरा सेट लगा हुआ है, इधर भाई लोगों का फोटो शूट चल रहा है। फिलहाल डिबेट वगैरह खत्म हो चुका है और अभी मैं यहीं पर खड़ा हूँ। ये देखो भाई इधर पूरा राम की पैड़ी के किनारे किस तरह से लोग अपने अपने सेट लगा के न्यूज़ चैनल वाले यहाँ पर डिबेट वगैरह कर रहे हैं। तो गाइज फाइनली हम लोग राम की पैड़ी के जस्ट किनारे आ चुके हैं। इधर DD न्यूज़, दूरदर्शन न्यूज़ वालों का अपना सेट लगाया गया है, और इधर भी काफ़ी दूर दराज से लोग राम मंदिर का यात्रा करते हुए पहुँचे हैं। ये देखो, ये मैं पीछे के साइड आ गया, और यहाँ पर देखो लोग साइकिल से राम मंदिर का यात्रा करने के लिए आए हुए हैं। ये TV9 भारतवर्ष का सेट लगा हुआ है, सभी न्यूज चैनल का सेट राम की पैड़ी के किनारे ही लगाया है। ये देखो ये राम की पैड़ी, और यहाँ पर देखो ये राम की पैड़ी भाई रात में क्या सुंदर लग रही है यार। ये देखो इधर भी 4 स्टेट ट्रेवलर, और इधर भी देखो भाई ये सभी लोग काफ़ी दूर दराज से सफ़र करते हुए पहुँचे हैं अयोध्या। और ये है राम की पैड़ी, फिलहाल रात हो चुका है, नहीं तो इसमें बहुत सारे लोग नहाते हुए आपको दिखाई देते। ये देखो भाई पानी का धार देखो, ये सरयू नदी का धार देखो, कितना तगड़ा पानी आ रहा है इसमें, जहाँ पर हमारे प्रभु श्री राम जी और लक्ष्मण जी स्नान किया करते थे। ये पूरा का पूरा राम की पैड़ी का नज़ारा मैं आपको दिखा रहा हूँ, जूम करके दिखाऊँ तो ये देखो, और साइड की ये जो बिल्डिंग नुमा मंदिर बनाए गए हैं इनका नज़ारा देखो भाई, काफ़ी खूबसूरत नज़ारा। राम की पैड़ी के किनारे जो भी मंदिर नुमा ये बिल्डिंगें बनी हैं उसको किस तरह से लाइटिंगों से सजाया गया है, किस तरह से उसे डेकोरेट किया गया है, मैं आपको इस वीडियो में पूरा लाइव दिखा रहा हूं। और इधर देखिए सरयू नदी का पानी कितनी तेज़ी के साथ राम की पैड़ी में आ रहा है, जहां पर लोग स्नान करते हैं मॉर्निंग के टाइम में। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा क्राउड लगती है स्नान करने के लिए, और यहाँ पर काफ़ी तेज़ी से हवाएं भी चल रही हैं भाई, और काफ़ी ठंडा मौसम है आज के दिन। अभी देखिएगा आप लोग कुछ ही देर में यहाँ की लाइटें और जला दी जाएंगी, जो कि काफ़ी खूबसूरत लगता है देखने में। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कितनी खूबसूरत तरीके से लाइटिंग की गई है राम की पैड़ी पर, और काफ़ी सुंदर लग रहा है देखने में। दोस्तों राम की पैड़ी में सभी लोग स्नान तो करते हैं, लेकिन ये नहीं जानते हैं कि आखिर राम की पैड़ी इसका नाम यहाँ पर कैसे पड़ा है। आपको बता दें कि अयोध्या को श्री राम की नगरी कहा जाता है। 22 जनवरी को इस जगह पर राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम होने वाला है। इस दौरान अगर आप अयोध्या जाने वाले हैं तो यहाँ की कुछ फेमस जगहों को एक्सप्लोर कर सकते हैं। अयोध्या में खूब मंदिर और महल हैं, इसके अलावा यहाँ पर कई घाट भी हैं। अयोध्या में राम की पैड़ी भी काफ़ी फेमस है। यहाँ पर देखिए एक कलाकार बैठी हुई है जो श्री राम जी का और सीता जी का
तस्वीर बनाई हुई है और आज तक वाले उनसे उनका इंटरव्यू ले रहे हैं। इस तरह से अगर आप लोग इस समय अयोध्या आते हैं तो कई सारे लोगों को आप लोग देखेंगे। दोस्तों, राम मंदिर के अलावा अगर कहीं पर सबसे ज़्यादा यहाँ पर भीड़ होती है ना, तो वो है ये राम की पैड़ी, जहाँ पर कितना खूबसूरत तरीके से इन लाइटों को लगाया गया है, लाइटों से इस राम की पैड़ी को सजाया गया है। आखिर क्या है राम की पैड़ी? आपको बता दें, राम की पैड़ी सरयू नदी के किनारे बसे घाटों में से एक है। कहते हैं कि श्री राम इसी पैड़ी से होकर सरयू नदी में स्नान करने जाते थे। कहा जाता है कि त्रेता युग में भगवान विष्णु ने राम के रूप में यहाँ अवतार लिया था। ऐसे में कहते हैं कि एक नियमित समय में स्नान करने से व्यक्ति के जन्मों का पाप धुल जाता है। राम की पैड़ी को लेकर एक पौराणिक कथा भी जुड़ी हुई है। यहाँ पर कहा जाता है कि लक्ष्मण जी ने सभी तीर्थों में दर्शन करने का मन बनाया तो श्री राम जी ने अयोध्या में सरयू किनारे तट पर खड़े होकर कहा था कि जो व्यक्ति सरयोदय से पहले इस जगह पर सरयू में स्नान करेगा, उसे समस्त तीर्थ में दर्शन करने के समान पुण्य मिलेगा। इसीलिए जो लोग भी यहाँ पर आते हैं वो सूर्योदय से पहले राम की पैड़ी में स्नान जरूर करते हैं। इसीलिए अयोध्या में राम की पैड़ी की मान्यता काफ़ी ज़्यादा है। दोस्तों, अगर आप लोग कभी भी अयोध्या नगरी घूमने का प्लानिंग कर रहे हैं ना, तो आपको राम की पैड़ी में स्नान जरूर करना चाहिए, क्योंकि ये सौभाग्य वाले लोगों को ही ऐसा स्नान करने को मिलता है। यहाँ पर देखिए कितना बेहतरीन तरीके से इनको सजाया गया है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको राम की पैड़ी की कुछ हिस्ट्री भी बताऊंगा, तो आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। बहुत ही बेहतरीन तरीके से आज राम की पैड़ी को सजाया गया है, बहुत ही बढ़िया तरीके से डेकोरेशन किया गया है, लाइटिंग की गई है। इस वीडियो में मैं आपको राम की पैड़ी का पूरा नज़ारा दिखा रहा हूँ, और आगे चलिए पुल से जो मेन ब्रिज है बीच में, वहाँ से आपको दिखाता हूँ। वहाँ पर काफ़ी सुंदर सुंदर लोग राम जी का और सीता जी का चित्र भी बनाए हुए हैं, पेंटिंग भी किए हुए हैं। ये देखो भाई, पीछे की लाइटें देखो, कितना बेहतरीन तरीके से लाइटिंग किया गया है। यहाँ पर पर्पल कलर, ब्लू कलर, वाइट कलर, मतलब हर कलर से लोग राम की पैड़ी को सजा दिए हैं। आज के दिन काफ़ी खूबसूरत लग रहा है भाई, काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। गाइज, अगर आप लोग कभी भी राम की पैड़ी आओगे ना रात के समय में, तो आपको यहाँ से जाने का मन ही नहीं करेगा। ये लाइटें एकदम मन मोह लेती हैं यार। देखो कितनी गजब तरीके से लाइटिंग की गई है राम की पैड़ी के किनारे, और ये पूरा का पूरा नज़ारा मैं आपको राम की पैड़ी के किनारे का दिखा रहा हूँ रात का। बहुत सारे लोगों ने अयोध्या की राम की पैड़ी का नाम सुना ही होगा, तो यही है राम की पैड़ी का नज़ारा। ये मैं बीच में जो राम की पैड़ी है उसके बीच में जो ओवरब्रिज बनाया गया है, जो इस पार से उस पार हम लोग आ जा सकते हैं, वहाँ का नज़ारा है। उधर देखिए अपना प्रोग्राम वगैरह चल रहा है, और इधर काफ़ी ज़्यादा पुलिस फोर्स लगाए गए हैं, इंतजाम काफ़ी तगड़ा किया गया है अयोध्या में। और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अभी भी आपको भीड़ दिखाई दे रही होगी, लोग फोटो ले रहे हैं, वीडियो ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर लोग काफ़ी दूर दराज से, दूसरे स्टेट से भी घूमने के लिए आ रहे हैं। ये देखो, ये है भाई राम की पैड़ी का नज़ारा। मैं आपको ऊपर से दिखा रहा हूँ, थोड़ा सा जूम करके दिखाऊँ तो आप लोग देख सकते हैं क्या गजब का नज़ारा है राम की पैड़ी का। आज के दिन का पूरा नाइट व्यू आपको दिखा रहा हूँ। डे का तो आप लोगों ने हमेशा देखा होगा, लेकिन रात में राम की पैड़ी किस तरह से दिखती है, और ये है दूसरे साइड का शानदार सा व्यू। ये देखो, इधर काफी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, काफी बड़े बड़े मंदिर वगैरह बनाए गए हैं, और सामने ये घाट का नाम भी रखा गया है, किसी का नाम राम घाट है, किसी का लक्ष्मण घाट है। और इधर देखो, इधर प्रोग्राम वगैरह चल रहा है। इसी तरह से राम की पैड़ी के किनारे सारे इंतजाम किए गए हैं, जितने भी न्यूज चैनल वाले हैं उनका डिबेट वगैरह, उनका इधर ही सेटअप लगा हुआ है, सब कुछ इधर ही किया गया है। तो दोस्तों, फाइनली इस वीडियो में मैंने आपको राम की पैड़ी का खूबसूरत सा नज़ारा दिखा दिया है, कि उद्घाटन से पहले राम की पैड़ी को किस तरह से सजाया गया है लाइटों से, वहाँ पर डेकोरेशन किस तरह से किया गया है, और मीडिया वाले वहाँ पर किस तरह से अपना सेट बना बना के डिबेट चला रहे हैं। तो उम्मीद करूंगा आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल प्रिंस के ब्लॉग को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको राम मंदिर का पूरा डिटेल भरा वीडियो, कई सारा वीडियो मिलेगा। अभी हम लोग बाहर आ चुके हैं, राम की पैड़ी नीचे है और हम लोग मेन रोड पर आ चुके हैं। ये सामने काफ़ी सारे होटल हैं, और ये देखो अभी हम लोग इधर से चलेंगे, आगे का भी वीडियो कवर करेंगे।
तो चलिए हमारी बाइक आगे है, निकलते हैं हम। तो उम्मीद करूंगा आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। जल्दी मिलते हैं नए ब्लॉग में। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।